अच्छा जी, तो मैं लिख रही थी कंटेंट और वो लड्डू मड्डू मेरे पास बैठा हुआ था और मैंने अपना काम कर लिया है। अब वो वहाँ चला गया उठ के शहज़ादा, क्योंकि वहाँ स्मोकी आई थी, स्मोकी के पास चला गया था, फिर स्मोकी उठ के चली गई और अब वो वहाँ सो रहा है। और अब नान का मैसेज आया है कि बाहर चल के क्या खाना है, तो चलते हैं बाहर खाने, क्या खाना नहीं है, खाना खाने चलते हैं बाहर। और रात के बज रहे हैं 2:30 और नान की कॉल आ गई बीच में। ओके गाइस, तो मैं उठ गई हूँ और मैं करने लगी हूँ चेंज। चेंज तो नहीं, बस कोट वगैरह पहन लूँगी और दैट्स इट। और फिर नान कहते हैं मैं कॉल करता हूँ, तो नीचे आ जाना। सो तैयार क्या ही होना था, शलवार कमीज पहनी, मतलब कपड़े चेंज किए, स्कार्फ पहना, दुपट्टा पहना और वही फर वाला जैकेट, हुड, क्या कहते हैं, हुड नहीं, अपर, वो पहन लिया। और दैट्स इट, आई एम रेडी टू गो। आर यू रेडी स्वीटी? नो 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 स्वीटी, नो, आई लव यू। और बस दैट्स इट। देखो आप देख रहे हैं मुझे पीछे से, यार आधी रात हो गई है, इस टाइम कौन तैयार होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं। और ऊपर से मुझे बुखार भी हो रहा है, प्रे फॉर मी। जब तक ये ब्लॉग जाएगा आई गेस मैं ठीक हो जाऊंगी, बट प्रे फॉर मी। ओके बेबी, तो दौरा पड़ गया हमें। ये इतना मस्त होके सोता है माशाल्लाह, इतना क्यूटू मोटू मोटू, मेरी जान का तोता लगता है। मानो बिल्ली, मेरी मानो बिल्ली। बाउनी नाराज है मिले छे? बाउनी बेबी इधर तो देखें, मानो बिल्ली आ भी जाए मेरे पास, इतनी नाराजगी कैसे, क्यों? मैंने ये अंदर घर वाले स्लीपर्स पहने हैं जिनके नीचे सोल नहीं लगा होता, मतलब प्लास्टिक का, और उसके उसके ऊपर मैंने फिर ये वाले जूते अनान के पहन लिए क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। बाय 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 बाय। और बिल्कुल नहीं नजर आ रहा तो होगी योग साडा को सीन रखा कितने दिस जी ना नेड़े काका टाउन विच मेरे नाल छुटरा दा टोला ते सारे रखे खुले जिस सभा कितने दिस जी ना नेड़े काका टाउन। लिटरली ये हाल है, ये तो अभी नज़र आ रहा है, पर आप गलियों में चले जाओ बिल्कुल नहीं कुछ नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, इतनी ज़्यादा धुंध है, इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का। ओके, तो हमारे सारा आ गया है, बाकी बेबी आ रहा है, इतने सारा खाना। ओके, तो ये चटनी और ये जिंगर बर्गर, चिकन बर्गर, अंडा शामी वो दो, और आप लोग डोंट जज अस। और हमने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं घर, और बाहर बहुत ठंड है। और बर्गर काफ़ी मज़े के थे, बहुत अच्छे थे, और मुझे बहुत 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 पसंद आए, बहुत टेस्टी थे। हमेशा हम यहीं पे आके खाते हैं अगर हमें इतनी लेट नाइट कुछ खाना होता है, बर्गर वगैरह। तो दूसरा मैंने थोड़ा सा खाया और बज रहे हैं 4:30, और मेरी तबीयत नहीं ठीक जैसा मैंने आपको बताया, और मेरे गले से अंदाजा हो रहा होगा। एक्चुअली यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा बाहर, और ये अगर आपको याद हो तो ये वही कैफ़े जो मैं आपको दिखा रही थी लास्ट टाइम। और ये आप सोचोगे खाली डब्बा क्या कर रहे थे, ये नान का लंच था। और यहाँ ये पंप नज़र आ रहा था सही से क्योंकि यहाँ लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, और लिटरली देख लें बाहर बहुत धुंध है, बहुत ज़्यादा। ये कोई पोर्श और फरारी जा रहे हैं,
और ये धुंध भी देख ले साथ साथ, और अनार ने भगाई है इनके पीछे। और टाइम देखिए, अभी टाइम नहीं चला, 4:47 5 बज गए। ये गंदी सी ला दो, आते मेरे पास आगे गंदी ला दो, गंदी ला दो को देखिए। ओके, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए फ्राइड एग, और स्मोकी ने भी खाना है, वो भी मेरे पास ही खड़ी है कि वो खाएगी, और एक उसके लिए बनाया और एक अपने लिए बनाया है मैंने। ओके, तो यहाँ पे मेरा और चौकी का नाश्ता रेडी है, हम दोनों अब ये खाने लगे हैं। एक स्मोकी का है, एक मेरा है। ये देखें, इसने खाना था ये, जर्दी खानी थी इसने, सफ़ेदी नहीं। ये लो खा लो, ही लव ब्रेड। और ये एग योक, इसे बहुत पसंद है। सी, अच्छा जी, नाश्ता हो गया, अब पियेंगे हम मज़ेदार कड़क सी इलायची वाली चाय और अपना दिन शुरू करती हूँ। मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, इतनी पीती हूँ। अनान को नाश्ता वगैरह करा के उन वो काम पे चले गए थे, और अब मैं नाश्ता कर रही थी। और ये चाय मैं तब ज़्यादा बनाती हूँ जब अनान हो, अनान को बचा के दे देती हूँ, वो पी लेते हैं शौक से। और ये मज़ेदार चाय, और इसके बाद शुरू करते हैं हम अपने सारे काम। मैं अभी, मैंने नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ, और थोड़े व्लॉग्स वगैरह देख रही थी यूट्यूब पे, और थोड़ी मैं अपना बजट वगैरह सेट कर रही थी, तो क्या कहते हैं मंथली बजट जो होता है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं काम शाम कर लूँ, थोड़ा घर का काम कर लूँ, उसके बाद कुछ वीडियोस शूट करनी है, फिर अभी व्लॉग एक एडिट करना है और वो भी पोस्ट करना है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, साथ साथ दिखाती जाऊँगी जहाँ जहाँ मतलब शूट कर सकूँ व्लॉग को इस वाले, तो वो साथ साथ दिखाती जाऊँगी। और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अब पुराने व्लॉग्स मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, तो इंशाल्लाह ये न्यू फ़ोन जो मैंने लिया था इसके साथ न्यू व्लॉग्स पोस्ट करूँ। और नो डाउट इसका कैमरा बहुत आला है, मतलब दिस फ़ोन इज़ लिट, लिटरली सो लिट, आई लव दिस फ़ोन, मतलब कमाल लेवल हो गया है। सो ये मेरा क्यूट सा प्लानर है, ये मैंने कोई पिछले साल बनाया था, और मैं इसमें अपना पूरा बजट लिखती हूँ, मंथली बजट, और क्या चीज़ लाने वाली है, क्या किस तरह है, सारा कुछ इसमें लिखती हूँ, घर का सामान, ईच एंड एवरी थिंग इसमें मैं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है भूलने की, बीमारी अच्छी खासी है। और ये एक रजिस्टर है, इसमें मैं अपना लिखती हूँ कंटेंट, ये काफ़ी सारा कंटेंट नहीं है अभी, और ये मैंने अभी न्यू ही रजिस्टर लिया है। और ये है, ये दो रजिस्टर्स हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसमें घर की चीज़ें याद रहती हैं, इसमें YouTube और Instagram, TikTok सब चीज़ों का जो भी शूट करना होता है या जो भी चीज़ें करनी होती हैं इसमें लिखती हूँ पहले। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो रजिस्टर्स हैं मेरी लाइफ में। अच्छा, ये दराज देख रहे हैं कितना फैला हुआ है। दूसरा ये कि मैंने सारी चीज़ें झाड़ झूड़ के लगा दी, इनको देखो खाने में लगे हैं, इसने भी खा लिया। और अब मैं सोचूं कि दराज वगैरह और अलमारियां वगैरह भी संभालूं क्यों छोकि, और चले करते हैं काम। बस जहाँ पे दराज खुल गए, अलमारियाँ खुल गई, स्मोकी ने वहीं जाना है, इसको इतना शौक है दराजों में घुसने का, देखने का, चेक करें। और मैं यहाँ ब्रश में से बाल निकालते हुए, ब्रश को अच्छे से साफ करते हुए। अच्छा जी, तो घर के काम शाम सारे हो गए हैं, सारे काम हो गए हैं, और सफाइयाँ वगैरह वाले काम, अब रियल काम करने की बारी है, और वो मैं करने लगी हूँ। और मैंने आप लोगों को बाकी काम नहीं दिखाए, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं जल्दी जल्दी सारे अपने काम ख़त्म करूँ, पर फिर भी जल्दी नहीं हुए। ओके, सो यहाँ पे मैं वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने नेल पॉलिश निकाली थी और नेल पॉलिश लगाई है, और इट्स अ जुगाड़, ठीक है, कि मैंने इसमें सेट करके ना अब नेल कलर्स लगे, ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि मैं नेल पॉलिशेस नहीं लगाती, सिर्फ वीडियोस के लिए, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं लिप्टन की ग्रीन टी पी रही हूँ हनी के साथ,
और बस, और व्लॉग अभी व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और इसके बाद फिर बाकी शूटिंग वगैरह स्टार्ट होगी। ये कितना क्यूटू मोटू लग रहा है, ये मेरी माइनू बिल्ली नीनू करते हुए। ओके, सो ये आप देख रहे हैं, हम लोग हैं यहाँ, क्या कहते हैं, यमन पपीता फोर्ट्रेस फोर्ट्रेस है, और यहाँ काफ़ी लाइंस, काफ़ी रश हुआ हुआ है फोर्ट्रेस में, ये चेकिंग हो रही है, और फिर हम अंदर जाते हैं, हमें थोड़े काम थे इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे करेंगे हम लोग पेमेंट, और ओके, तो यहाँ पे इन्होंने पार्किंग किया, पीछे पार्किंग स्लॉट्स बंद किए हुए थे इन लोगों ने, और हम लोग आ गए हैं फोर्ट्रेस। हमें जाना है वो कार फोर, पूरा काफ़ी दूर है और काफ़ी रश है फोर्ट्रेस, रश नहीं ख़त्म होता। क्या है, टकरे तो नहीं दो? ओके, सो हम लोग आए हुए थे यहाँ वेफल्स पे, और अनान अनान यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं बहुत ही मज़े से, और कितने प्यारे लग रहे हो। सो हमने ले लिया है कोक, और मेरे लिए बिरयानी, अनान खाएंगे आलू वाली टिकिया जिसे हम कटलेट्स कहते हैं, अनान खाएंगे कटलेट्स घर जाके। अभी हम लेने जा रहे हैं अंडे और दूध, अंडे और दूध लेने जा रहे हैं, है ना, बहुत प्यारे यार। और बस फिर घर जाके खाते पीते हैं, और कुछ काम है वो करते हैं। ओके, सो यहाँ पे होते हैं हमारा व्लॉग एंड, खाना शाना खा के सब कुछ करके, क्या कहते हैं, सब कुछ करके फ्री हो गए, और अब यहाँ पे होती है एंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक इट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।